मेरे कन्हैया अगर तू वाकई दुनिया में विराजमान है तो इसको पूरा कराना, और मेरे प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री के दिल में मेरी इस जनता के लिए, इस हरियाणा के लिए प्यार जगा देना और वो इसको कर दे। मैं बहुत बार कह चुका कि भाई मेरा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन बाय द वे ये मेरा इलाका दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, और मेरे पूर्वजों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जब भी कोई नया काम करो, कोई अच्छा काम करो, तो दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व के लिए जाना, पीछे के लिए कभी मत हट जाना। तो ये मेरा मेवात, मेरी ये मेवात की धरती, ये पश्चिम दक्षिण में है, और यहां से जो हमारे एमपी साहब भी हैं और मंत्री भी हैं, वो भी शायद ये सोचते होंगे कि दूसरी रैली गुड़गांव में होने वाली है 26 मार्च को, और उनका भी सोचना ठीक है कि ये भी चारों तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, और जो अगली चार है वो भी उसी में आती है, और उसके बाद अगर बावल जाऊंगा तो वो भी उसी में ही आती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं मेरा इलेक्शन लड़ना कोई मकसद नहीं, मैं इसके लिए जिंदा हूं, ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करवाने के लिए जिंदा हूं। मैं हरियाणा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और करतार की जबियान जो एक बार हो जाए, अरे गर्दन तो कट सकती है लेकिन जबान नहीं कटती है। मेरा एक भाई कहने लगा कि जनता जब तुम्हें लड़ाएगी तो तुम्हें लड़ना पड़ जाएगा। मैंने कहा रे तू मेरे को 40 साल से जानता है, मेरा बहुत अजीज है, अगर तू ही ऐसा सोचता है तो किसी के सोचने में क्या दिक्कत है। तो हरियाणा से तुम्हारा ये करतार बढ़ाना, बड़े बुजुर्गों का बेटा, हम उम्र का भाई, बच्चों के लिए परवरदिगार से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि मेरे हरियाणा को ज्यादा कुछ ना कर सके, इतना तो बना दे कि जो मजबूरी से लोग दवाइयों से तरसते हैं, रोटी के लिए भी कई बार फाका हो जाता है, कई बार स्कूल में फीस के बगैर बच्चा वापस आ जाता है, तो मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों में मस्तक झुका के प्रार्थना करता हूं, और जो हमारे पीर फकीर जितने भी हुए हैं, मैं उनकी रूह को झुक कर सलाम करता हूं और प्रणाम करता हूं। पानी दियो का हाथ डाल दिया था, अरे मेरे जो ना तो वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरा हरियाणा जिस चीज से भी वंचित है उसको वो पूरा करने का वादा कर चुके हैं मेरे से, क्योंकि वे खुद तो नहीं आते, लेकिन ये जो जन सलाब आज इसके लिए आया है, ये उनकी मर्जी है, वो दिलवाना चाहते हैं, ये इस बात की गवाही है। कभी भी कोई भाई जो मेरे मेवात के बेटे हैं उनको एमएलए बनाऊंगा, अपने बेटा जिसको जन्म मैंने दिया, बेटे तो ये भी मेरे ही हैं, लेकिन जिसको जन्म दिया है उसको मेवात की चार सीटों से कभी इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी जबान है। लेकिन मैं ये कुर्बानी, बहुत कुर्बानी कर रहा हूं, बहुत दिल पे दर्द है जब मेरी बेटियां
लिए बीमार हो जाती हैं, ना भाई से ना बाप से मांग सकती हैं। मैं उन बेटियों के लिए कुछ करना चाहता हूं, और वो ऐसा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का नारा दिया है, और वो तभी पूरा हो पाएगा जब माँ बाप 8वीं तक फ्री शिक्षा मिले तो बच्ची को पढ़ाएंगे, और फिर उसके 6000 जब चालू हो जाएंगे तो माँ बाप का एक 6000 का जो बच्ची को एक जेबर्ची मिल रही है वो घर का एक सहारा बनेगा, और वो अपनी बच्ची को पढ़ाएगा, और जब तक बच्ची 8 मिडिल क्लास करके शादी नहीं हो जाती है जब तक वो उसको मिलता रहना चाहिए। इसमें कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल दिल की गहराई से कह रहा हूं कि एक बार आप आए, आप जिस तरह से आज खड़े हुए हैं, एक दिन के खड़े होने से काम नहीं चलेगा, और इतनी जल्दी कोई इसको पूरा भी नहीं करेगा। मैं एक बात और कहता हूं कि अगर देश के लिए लड़ाइयां भगत सिंह ने शुरू की, आजादी कहां जाके मिली, तो मैं भगत सिंह नहीं, मैं चौधरी देवीलाल नहीं, मैं चौधरी चरण सिंह नहीं, लेकिन मैं उनका एक सोच का एक बच्चा हूं जो इसको कराना चाहता हूं। चरण सिंह तो नहीं, देवीलाल जी तो नहीं, पर मैं तुम्हारा सबके दिल में मर कर जिंदा रह जाना चाहता हूं, ये मेरी अपनी इच्छा। और मैं ये शुरू कर रहा हूं, जब तक मैं हूं, जब तक तो मैं इसमें करता रहूंगा, लेकिन परमात्मा परवरदिगार अगर केड़ा पड़ जाए और इसमें कोई टाइम लग जाए पूरा होने में, तो ईमानदारी से इसको जब तक पूरा ना करा लो, जब तक मेरी कुर्बानी भी अगर हो जाए तो उसको अकारत मत जाने देना, ये मेरा आपसे वादा। और ये 17 सूत्रीय तो आपने शायद पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है, क्यों कि ये इतनी बड़ी लगती है कि कई तो इनको देख के छोड़ देता है कि ये कोई होने लायक काम नहीं है। अरे चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए की पेंशन की थी, आज 5000 की हो गई। चौधरी चरण सिंह ने ट्रैक्टर का टैक्स के लिए फ्री कर दिया था, वो फ्री हो गया। तो जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मन में आ जाएगी, पर मन में जब ही आएगी, क्योंकि माँ भी दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, मेरा कोई लड़ाई कराना कोई मकसद नहीं है, लेकिन गांधी जी की तरह सच के साथ मिलके इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये मिले। ज्यादा भाषण मुझे देना नहीं आता, लेकिन ये 17 जो मांगे हैं, इसमें एक मांग में अगर आप इन मांगों को लो तो एक मैं 18वीं मांग इसमें जोड़ना चाहता हूं, और वो 18वीं मांग क्या है? यशवंत जी तपस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने एक बंबई रोड हमारी वीरों की भूमि से निकाला है, जिससे हमारे विकास का जरिया बढ़ेगा, हमारी तरक्की बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात प्रार्थना करता हूं उनसे कि अगर हमारा झिरका तक टूल टैक्स माफ नहीं होगा तो हमारा यहां कोई विकास नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि पूरे हरियाणा का टूल टैक्स माफ कर दिया जाए, लेकिन ये 2 जिले को विकास की तरक्की में काम आएगा, लेकिन ये उसकी तरक्की में पलवल और नुकी जिले की तरक्की में ये काम आएगा, लेकिन काम जब ही आएगा जरा 2 जिलों का कम से कम टूल भी आएगा तो हमारा विकास हो जाएगा, हमारे बच्चे रोजी रोटी कमाएंगे, और जो बेचारे गरीब टूल नहीं दे सकते हैं
वो इससे आएंगे। अरे बॉम्बे उनने देखा ना देखा, कम से कम झिरका तक तो ये रोड देख जाएंगे। तो आप किसी के भी दिल में अगर कोई बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन दिल में यह सोच लेना कि करतार ने जन्म तो चम्माराम बली की कोख से लिया, लेकिन मैं धर्म का वो भाई हूं जो धर्म का तो धोखा दे सकता है, लेकिन करतार भड़ाना ने ना तो धोखा दिया कभी, ना झूठ बोला कभी, और ना जब तक जिएगा बोलेगा कभी। लेकिन मैं कुछ नहीं हूं, अगर आप साथ चल पड़ेंगे तो ये आठवीं जो 18वीं मांग है ये भी आज, पर मैं वो करूंगा तभी जब तुम सब हामी भरोगे, और ये मैं सारी मांगे जो हैं, क्योंकि मैं कभी जब कोई फंक्शन करता हूं तो अपनों को भूखा नहीं रखता हूं, लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं कहा कि आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा, क्यों नहीं कहा? मैं इसे पूरा करवाना चाहता हूं, मैं रैली नहीं करना चाहता हूं, क्यों? कि मेरे पत्रकार भाई मीडिया के, इलेक्ट्रिक के और पेपर से जुड़े जितने भाई हैं वो ये लिख देंगे कि लोग तो आए, बहुत आए, लेकिन भाई खाना खाने आए। तो इसलिए मैंने कह दिया भाई न्योता चूल्हे नौत है, पर खाने का जब तक मेरी बात सुनोगे जब तक खाने का कोई जिक्र नहीं है। और मैंने आप अगर सब मुझसे वादा करेंगे कि विज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के ऑफिस तक आए, इनसे इससे बात नहीं चलेगी। ये 18वां वादा भी इसकी कंडीशन में जोड़ा जाएगा और वो विज्ञापन उनको डीसी साहब को देंगे, लेकिन अगर एक बच्चा वहां तक नहीं जाएगा तो फिर फर्ज से कुताई हो जाएगी, और मेरा पानी रिसेप्शन जो भी थोड़ा बहुत होगा वो भी वहीं पे मैंने इंतजाम किया है कि जब मेरे भाई यहां आएंगे, और भूख कहते हैं ना भूखे भजन होए गोपाला ये ले अपनी कंठी माला, तो वहां पे मैं उस भूख को भी मिटाने की कोशिश करूंगा। हाजी, तो जनता भी तो मेरी है, मैं जनता का हूं इसलिए ही तो लड़ रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं एक छोटे से घर में अनंतपुर में पैदा हुआ, एक छोटे से घर में पैदा हुआ, गर्व है मुझे अपनी मां की कोख पे कि उसने आपका पैदा किया, और फिर मुझे कभी एमपी, कभी राजस्थान, कभी यूपी, बहुत दूर दूर जाने का मौका दिया। जब मुझे पहले मैं समालखा गया तो मेरे फरीदाबाद की बेटियां जब वहां पे जो ब्याही हुई हैं वो मिलती तो मैं उनको अपनी बहन तो थी मेरी, लेकिन फरीदाबाद की हर बेटी मेरी बहन हो गई थी जब मैं समालखा गया था, और वहां जो मेरा बेटा भी आया हुआ था उससे मैं दक्षिणा लेता था, और जो फरीदाबाद की बेटी है उसको मैं देता था। लेकिन आपकी कृपा से, आपकी तपस्या से, आपकी दुआओं से आहिस्ता 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 पहले अनंतपुर परिवार बना, फिर फरीदाबाद परिवार बना, और आपकी कृपा से और परम पिता परमात्मा की कृपा से मैं आज हरियाणा का बेटा बन गया हूं, और हरियाणा मेरा परिवार बन गया है, और यही सोच के
मैं इस काम को लेके तुम्हारे बीच में आया हूं, और जिंदा रहा तो करा के जाऊंगा, और मर जाऊं तो तुम करा लेना, नहीं तो मेरी कोशिश बेकार हो जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। यह छोटी चीज नहीं है, कोई कितना ही रईस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मां बाप बहन भाई कुछ चीज के लिए तड़पते हैं और तड़पने के बाद भी कुछ मिल नहीं पाता है तो आदमी जीते जी कई बार मर जाता है। तो कोई जीते जी नहीं मरेगा, अगर ये लागू हो जाएगा तो सब इज्जत की जिंदगी जी जाएंगे और उस परमात्मा का शुक्रगुजार कर जाएंगे। तो दोनों हाथ उठा के आप चलने का वादा करो। मैं बीमार हूं काफी दिन से, मैं बीमार हूं काफी दिन से, लेकिन मैं ये हिम्मत कर रहा हूं क्यों कि लगना चाहिए। आप इसके लिए तैयार खड़े हैं, ये ऊपर तक आवाज भी जानी चाहिए। तो दोनों हाथ उठा के चलने का प्रॉमिस करो वहां तक। भाई पीछे कहीं हाथ नहीं उठ रहे हैं बहुत से भाइयों की, अगर नहीं जाना है तो ईमानदारी से मत उठाना, लेकिन जो वहां तक चलेगा प्यार से वहां तक चलेगा ज्ञापन देने के लिए। सबको पैदल चलना है, कोई गाड़ी नहीं है, मैं आपके साथ पैदल चलूंगा, कोई गाड़ी में नहीं चलूंगा। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको देख के मुझे विश्वास हो गया कि ये 17 और जो 18वीं मांगे हैं ये पूरी कराने के लिए ही ये कार्य उससे शुरू करवाया है। तो परमपिता परमात्मा मेरा कन्हैया और जो ये सब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, ये परमात्मा विराजमान है, ये मेरा कन्हैया विराजमान है। और बहुत प्यार से वहां तक चलेंगे, बहुत प्यार से चलेंगे। सिर्फ मैंने जो है किसी ने मुझे कहा कि लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कोई गायक है हमारे मेवात की उसको सुनने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं। मैंने कहा रहे मैं कोई टिकट के लिए कोई इलेक्शन के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, अगर आएंगे तो आगे चलूंगा, नहीं यहीं पे ब्रेक कर दूंगा। मैं तो उसकी मर्जी से आया हूं और उसकी मर्जी तुम्हारी मर्जी में है, और तुम्हारी अगर मर्जी नहीं होगी तो मैं ये काम क्यों करूंगा। तो जो भी किसी भाई को और कोई सवाल करना हो, चाहे स्टेज पे है चाहे वहां पे है, मैं सभी को नतमस्तक होके अपने पूर्वों की रूह को भी और आपको भी प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और वादा करता हूं जब तक जिंदा हूं किसी को यह नहीं लगेगा कि करतार तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है। लेकिन आपको भी करतार, सबको करतार बनना पड़ेगा, किसी को बाप बनना पड़ेगा, किसी को भाई बनना पड़ेगा, और किसी को होनहार बेटा बनना पड़ेगा, तभी ये आगे काम चलेगा। जनाब जनाब जनाब, ये माला, इस माला का महत्व ये है कि ये माला उस दिन गिरे जिस दिन 18 सूत्रीय कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे, तो मैं सबको इतनी बड़ी माला बनवाऊंगा कि जिसमें पूरा इलाके का चौधरी आ जाएगा और मैं उनको फिर पहनाऊंगा। मेवात की तरफ से पगड़ी बांधी जा रही है चौधरी अब तक करतार सिंह भड़ाना साहब को। एक बात सुन लो मेरी, खाली मेवात की पगड़ी नहीं, अब इसे हरियाणा की पगड़ी बनाओ, सब एक साथ जुड़ जाओ और यहां से चल के पंचकूला में जाके इसे पूरा करवाओ। करतार सिंह भड़ाना, करतार सिंह भड़ाना। मेरे भाई करतार सिंह भड़ाना जब इस प्रांगण में पधारे तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई हंगामा करने नहीं आया हूँ, सिर्फ
हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। ये आग आप जलाएंगे, नूह की जनता साक्षी बनेगी इस ऐतिहासिक पल की। जोरदार तालियां, ये आपके उत्साह का गवाह है। आपके उत्साह, आपके जोश, आपके जुनून के आगे ये प्रांगण छोटा पड़ गया है।